हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो कल हम लोगों ने क्या किया था कि आई एम सॉरी को हम 10 न्यू वे से कैसे बोल सकते हैं, और फिर मेरे पास कमेंट आया कि आप ऐसी ही वीडियो बनाइए कि हम थैंक यू को 10 न्यू वे से कैसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग थैंक यू को न्यू वे से कैसे बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग सिर्फ 10 वेज नहीं बल्कि 15 वेज करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 15 वेज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वे इज़ यू आर ग्रेट। जब किसी ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की होती है, या फिर जब कोई भी आपको कोई भी टाइप का फेवर देता है, समझ लो आपकी कोई हेल्प करते हैं, आपका कोई काम करता है, तब आप उसे बोल सकते हो यू आर ग्रेट, तुम बहुत अच्छे हो। और सेकंड वन इज़ यू आर अ डियर। यू आर अ डियर, यहाँ पर डियर डी ई ए आर है, डी ई ई आर, हिरण वाला डियर नहीं है, डियर। इसके अंदर मतलब है कि तुम बहुत प्यारे हो। ओके, यू आर अ डियर, तुम बहुत प्यारे हो। इसके अंदर भी एक मतलब, इसका मतलब क्या जा रहा है कि तुमने मेरी हेल्प करी, यू आर अ डियर फॉर मी, तुम बहुत प्यारे हो। थर्ड वन इज आई ओ यू वन। आई ओ यू वन इट मीन्स तुमने मेरी इतना बड़ा काम करा, या फिर तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, उसके लिए मेरा तुम्हारा उधार मेरे ऊपर रहा, यानी कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं तुम्हारा उधार एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। ओके, आई ओ यू वन, ओ का मीन्स होता है उधार। फोर्थ वन इज आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट। एंड द फिफ्थ वन इज़ यू आर एन एंजल। इसमें एंजल का मीन्स है फरिश्ता, तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए। नेक्स्ट वन इज़ यू आर टू काइंड, तुम कितने दयालु हो। थैंक्स अ बंच, नेक्स्ट वन इज़ थैंक्स अ बंच, मतलब कि तुम्हें हज़ारों सैकड़ों थैंक यू, आप बोलते हो ना तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तो थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ बंच। एट्थ वन इज़ थैंक्स अ मिलियन, मतलब तुम्हें हज़ारों धन्यवाद। सेवेंथ और एट दोनों मिलते जुलते हैं, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन। नाइन्थ वन इज आई एम इन योर डेब्ट, मैं तुम्हारे कर्ज के तले दब गया। आई एम इन योर डेब्ट मीन्स तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। एंड द लास्ट वन, सॉरी टेंथ वन इज़ यू आर अ लाइफ सेवर। इसके अंदर लाइफ सेवर का मतलब ये नहीं है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली, इसके अंदर है जैसे कि अगर आप लोग ऑफिस में जाते हो, आपको बॉस ने कोई इंपॉर्टेंट काम दिया होता है और आप वो करना भूल जाते हो, तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन आप वही काम अकेले करो तो कितना टाइम लगेगा। मान लो अगर वही काम आप अकेले करो तो आपको एटलीस्ट 1 आवर लग जाएगा, लेकिन आपका एक फ्रेंड आता है, वो आपकी हेल्प करता है, तो यू हैव डन दैट वर्क ओनली इन 30 मिनट्स, और आपके बॉस ने कहा था कि बॉस को वो काम इन जस्ट 40 मिनट्स चाहिए, तो आपने वो काम 10 मिनट्स पहले कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अगर बॉस को वो काम नहीं मिलता 40 मिनट्स के अंदर, देन यू विल बी पनिश्ड और यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम योर जॉब, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपका टाइम, आपकी हेल्प करके आपकी लाइफ, मतलब कि आपकी जान बचा ली, मतलब कि आपकी ज़िंदगी ख़राब होने से, या फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया, तब हम कहते हैं यू आर अ लाइफ सेवर फॉर मी। ओके, तो चलिए अब हम लोग हमारे लास्ट के 5 देख लेते हैं। ये है हमारे लास्ट के 5। सो हमारा 11th वन है आई एम टच्ड। आई एम टच्ड, देखो ये फ्रेज बहुत अच्छी है, ये आप बोलोगे तो बहुत खुश होगा, सुनने वाला बंदा भी बहुत खुश हो जाएगा। आई एम टच्ड यानी कि तुमने तो मेरा दिल छू लिया, आई एम टच्ड। ओके, जैसे अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, आपको बहुत पसंद आता है, देन यू कैन स्पीक आई एम टच्ड। 12th वन इज माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड। माई ग्रेटिट्यूड नोज नो बाउंड इट मीन्स मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। या फिर ग्रेटिट्यूड का मीन्स होता है शुक्रगुजार होना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, या फिर वैसे तो इसका मेन मतलब ये निकलता है कि मेरी खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं है। 13th वन इज आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूँ, आप हिंदी में बोलते हो ना कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। एंड द 14th वन इज आई डोंट नो वॉट आई वुड डू विदाउट यू। यहाँ पर ये विद विट और हाउट इकट्ठे गलती से अलग अलग हो गए। ओके, आई डोंट नो वॉट आई वुड
डू विदाउट यू, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। आप हिंदी में बोल दो ना, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा तो क्या होता। आई डोंट नो आई वॉट आई वुड डू विदाउट यू। एंड द लास्ट वन इज आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। आप हिंदी में बोलते ना, मेरे पास तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है, मेरे पास तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।